हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एंड दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ये हमारे जे एग्जामिनेशन के एफएम मॉड्यूल का एफएम के कंपोनेंट का सेकेंड चैप्टर है जहां पर बेसिक प्रोसीजर्स की बात हो रही है यहां पर कुछ कंसेप्ट हमें दिए गए हैं और इन कंसेप्ट के ऊपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नंबर के या आधे नंबर का क्वेश्चन आपको एफ एम मिलता है बहुत बहुत ही ही हाई हाई स्कोरिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट हो हो सकता है, हाँ स्कोरिंग ही हो सकता है, है, चैप्टर जहां पर अगर आप ये को एक बार समझ लेंगे तो बहुत इजीली इनके क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं सो so, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे तो टोटल अगर हम देखें तो अराउंड थर्टीन हैं अकाउंटिंग के, के अंदर विदाउट एनी डिले लेटर स्टार्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट पहला कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट का मनी मेजरमेंट के अंदर बात सिंपल है कि अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी जिसकी पैसे की कोई वैल्यू हो अगर कोई ऐसी चीज है कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको पैसे में नहीं तोला जा सकता तो उसको अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करते एग्जाम्पल देखें लेटर से एक कंपनी है वो एक लैंड परचेज करती है एक जमीन परचेज करती है दस लाख रुपए के अंदर तो उसको रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एक मोनिटरी वैल्यू वहां एसोसिएटेड है लेकिन उस कंपनी का सीईओ जो है वो एक दिन आता है कंपनी में और सभी एंप्लॉय से एक बात करता है उनको एक मोटिवेटिंग लेक्चर देता है और उस लेक्चर की वजह से जो एम्प्लॉयज हैं वो काफी एनर्जेटिक और मोटिवेटेड होकर अच्छा काम करते हैं लेटर से और उससे कंपनी को थोड़ा फायदा होता है तो इसको हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये जो लेक्चर दिया गया है इसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है इसको पता लगाने का इसको मेजर करने का कोई रूल नहीं है सो वी डो नॉट रिकॉर्ड दोंग्स विच कैनोट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी सिमिलरलीटर से कंपनी इनवाइट्स रिलीजियस स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर और उनको बोलते हैं कि हम आपको एक लाख रुपए का लेक्चर हमें दीजिए तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा कि एक लाख रुपए का ट्रांजेक्शन पर को परचेज किया एक लाख रुपए के अंदर तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्लियर है नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि ओनर और बिजनेस ये दो अलग अलग चीजें होती है सो so, अगर मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है तो दोनों की

कंपनी के अकाउंट बुक्स में वो रिकॉर्ड करेगा कि उसको एक लायबिलिटी मिल गई है जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं जहां पर उसको कुछ लोन चुकाना पड़ेगा आगे जाकर के ओनर का अगर वहीं मैंने कंपनी बनाई थी उस कंपनी के अंदर से मैंने पहले दस लाख रुपए डाले थे अब मैं एक लाख रुपए वापस निकाल लेता हूं उस कंपनी के अंदर से तो ये जो लोन मैंने कंपनी को एक लाख का दिया दस लाख का दिया था वो कम होकर के नौ लाख ,00 का हो जाएगा कंपनी की लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी ठीक है तो ये एक तरीके से क्रेडिट डेटर वाली रिलेशनशिप जो है कंपनी और ओनर के बीच में बन जाती है ठीक है एग्जैक्ट क्रेडिट डेटर नहीं कहना चाहिए उसे वो एक्चुअली कैपिटल और कंपनी की रिलेशनशिप होती है लेकिन टेक्निकलिटी वही है सिमिलर है जैसे कि किसी को लोन दिया और उसको वो वापस करना पड़ेगा नेक्स्ट गोइंग कंसर्न गोइंग कंसर्न सिंपल कहता है कि कंपनीज होती हैं वो अमर होती हैं यूजुअली हम मानकर चलते हैं कि जो कंपनीज हैं वो लंबे समय तक काम करेंगी गूगल माइक्रोसॉफ्ट रिलायंस ये सारी इंडस्ट्रीज को हम यही मानकर चलते हैं कि ये लंबे समय तक ऑपरेट करने वाली हैं ऐसा कोई सेट टाइम नहीं है जब ये कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी ऑब्वियसली नेचुरल रीजन की वजह से इंसिडेंट्स की वजह से यू नो रिसेशन की वजह से या बैंक्राफ्सी की वजह से हो सकता है को कोई कंपनी कभी बंद होने जा रही हो लेकिन हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो है वो चलती रहेंगी। लेकिन इसमें एक एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन है। exception क्या है है क्या से कि कोई प्रोजेक्ट हाईवे बनाना है लेटेस्ट से बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई एंड दिल्ली एंड मुंबई के बीच का जो हाईवे है इसको तीन साल के अंदर कंप्लीट हो जाना है और इस हाईवे को बनाने के लिए एक डेडिकेटेड कंपनी बना दी जाए कि दिल्ली मुंबई हाईवे एंड दिस कंपनी कंस्ट्रक्ट हाईवे तो पता है किसान तो कि नहीं लगेगा सो दिस नॉट वेयर वी नो कि इसकी एंडिंग डेट है लेकिन बाकी कंपनी जिनकी एंडिंग डेट नहीं है वहां मानकर चलता है कि कंपनीज लंबे समय तक काम करेंगी ठीक है फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट बहुत सिंपल है आपको भी पता है कि हम हमेशा अकाउंटिंग करते हैं तो वो

अकाउंटिंग पीरियड अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम का हो सकता है जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो वो थर्टी मार्च को एंड होता है यानी थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर राइट कुछ कंट्रीज में अलग हो सकता है इंडिया में हम ये फॉलो करते हैं इसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर का कंसेप्ट ये कंसेप्ट कहता है कि कभी भी जो अकाउंटिंग बुक्स बनाई जाती हैं उसका एक जो मेजर कारण होता है वो कारण क्या होता है दैट वी वांट टू गिव इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स में कंपनी के ओनर्स आते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर्स आते हैं कंपनी को लोन देने वाली बैंक होते हैं कंपनी को रेगुलेट करने वाले कंपनी से सामान खरीदने वाले कस्टमर्स भी हो सकते हैं अब इनको सही डिसीजन मेकिंग ये कर पाए उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही तरीके से देना जरूरी है तो इस वजह से जब भी आप अकाउंटिंग बुक्स बनाते हैं तो आप ये इंश्योर करते हैं कि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑल मेटीरियल एंड रेलिवेंट फैक्ट्स मटेरियल यानी कि इम्पोर्टेंट रेलेवेंट यानी कि जो आपको डिसीजन लेने में जिन फैक्ट्स का रोल हो उन रो उन सभी इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली डिस्क्लोज करने की आपको जरूरत होती है कुछ चीजें आपको जान करके छुपानी नहीं चाहिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सके फॉर एक्जाम्पल आपको भी बताया ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जो कंपनी का ओनर है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली बताएगा तो अगर कोई कंपनी का ओनर है जिसने लोन लिया हुआ है बैंक से और उसकी कंपनी को लॉस हो रहा है लगातार लॉस हो रहा है तो वो शायद अपनी अकाउंटिंग बुक्स में पूरी इंफॉर्मेशन ना दिखाए वो अपने कुछ खर्चों को कम करके दिखाए तो ये जो चीज है वो बिल्कुल गलत है अब इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो पिक्चर में आती हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या सीबी जैसी जो ऑर्गेनाइजन हैं वो वजूद में आई हैं जो इन कंपनीज के अकाउंट्स को चेक करती हैं कि सही है या नहीं है ठीक है इसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों दिस कंसेप्टैट वेन एवर यू अर्न समथिंग वेन यू अर्न मनी इनकमिंग फ्लो ऑफ मनी है तो इसको तब रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन इट इज रियलाइज्ड सो रेवेन्यू इज ऑलवेज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइज रियलाइज का मतलब है कि वो रेवेन्यू को हम तब रिकॉर्ड कर देंगे जब उसको रिसीव करने का लीगल राइट right मेरे पास आ जाता है भले पैसा मेरे पास आया हो या ना आया हो फॉर एग्जांपल आई हैव अ कंपनी वेयर आई मैन्युफैक्चर लेट से कंप्यूटर्स

ये सेल हुई है और मेरे पास पंद्रह कंप्यूटर का पैसा आना चाहिए यह चीज मैं कब रिकॉर्ड करूंगा वेन द कैश इज रिसीव्ड और वेन आई हैव मेड द डिलीवरी आई विल रिकॉर्ड दिस वेन आई हैव मेड द डिलीवरी सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन रियलाइजेशन का मतलब है कि वो पैसा लेने का अधिकार मेरे पास तभी आ गया था जैसे ही मैंने डिलीवरी कंप्लीट कर दी अब पैसा जो है मुझे बाद में मिलेगा तो मैं इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करूंगा दैट आई हैव मेड द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड आई हैव टू रिसीव रूपीज इतना फ्रॉम द कस्टमर इन दी मंथ ऑफ मार्च तो मैं उसको रिकॉर्ड जरूर करूंगा जब मुझे एक्चुअल कैश मिलता है तब भी मैं रिकॉर्ड करूंगा तब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा कि जो मुझे राइट right था कि मुझे पैसे मिलने हैं रेवेन्यू रिक्शन कंसेप्ट नेक्स्ट मैचिंग का कंसेप्ट आता है अब मैचिंग का कंसेप्ट बहुत सिंपल है वो कहता है कि जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना हो तो जिस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर जितनी इनकम हुई है उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना आपने खर्चा किया है अब ये जो खर्चा है दिस एक्सपेंस शुड ओनली बी दैट एक्सपेंस विच हैज बीन यूज टू अर्न दी मनी वही खर्चा यहां पर आप इंक्लूड करिए जो पैसा अर्न करने में आपकी मदद करके गया है इसमें एक और चीज समझिए रेवेन्यू रिकोगशन का जो या रियलाइजेशन का जो कंसेप्ट था उसने आपको क्या कहा था उसने कहा था कि जब भी आपने सेल की तभी आपको राइट मिल जाता है उस

So, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये इनकम हुई है पंद्रह कंप्यूटर की ये दो हजार बाईस तेईस के ईयर में जाएगी या दो हजार तेईस चौबीस के ईयर में जाएगी तो हमें पता है इनकम कब रिकॉर्ड होनी चाहिए व्हेन आई हैव मेड द डिलीवरी तो मैं उसको 2022-23 के ईयर में रिकॉर्ड करूंगा ये मेरा एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट बहुत सिंपल है ठीक है उसके बाद मैचिंग का कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना चाहिए अगर एक्सपेंस से इनकम आई है तब तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे एग्जाम्पल लेते हैं लेटेस्ट से आई हैव अ कार शोरूम और मैंने जुलाई टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में ट्वेंटी कार्स को खरीद लिया है ट्वेंटी कार्स मैंने परचेज करी है एक एक लाख रुपए के यानी लाख का खर्चा किया है इसके अलावा मैंने नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स का इंक्लूडिंग जुलाई आई हैव पेड द रेंट ऑफ रें ट्वेल्व मंथ्स एडवांस रेंट मैंने बारह लाख का भर दिया है नेक्स्ट दिसंबर का मंथ आता है 2020 में और उसमें मुझे बोला जाता है कि 10 कार बेच दो 10 कार मैंने बेच दी 2 2 लाख की यानी कि 20 लाख का मेरे यहां पर रेवेन्यू हो गया नेक्स्ट ईयर ऑन जुलाई टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव कार्स आई हैव सोल्ड फॉर टू लाख रुपीज ईच और मैंने बारह लाख का जो है रेंट भी पे कर दिया है ठीक है अब मुझे अगर कोई आकर कहता है कि मुझे बताओ कि टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी के ईयर में हाउ इज योर परफॉर्मेंस इनकम क्या है आपका प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है तो कैसे कैलकुलेट होगा ये हम पहले एक्सपेंस निकालेंगे एक्सपेंस कितना हुआ टोटल अगर एक्सपेंस देखे तो आई हैव परचेज ट्वेंटी कार फॉर वन लाख रुपीस दैट इज रुपीज ट्वेंटी लाख आई हैव हैल्सो गिवन रेंट ऑफ ट्वेल लाख फॉर ट्वेल्व रुपीस ट्वेल्ल लाख सो टोटल एक्सपेंस आया थर्टी टू लाख लेकिन दिसंबर 2020 खत्म होने तक मैंने क्या सेल की थी मैंने सिर्फ आपकी 10 कारें बेची दो दो लाख की 20 लाख की सेल हुई है तो अगर देखा जाए तो मेरा लॉस हो रहा है तरीका गलत क्यों है क्योंकि मैंने रेंट बारह महीने का दे दिया था मैंने कार बीस खरीदी थी लेकिन बेची सिर्फ दस थी तो ये जो आपका लॉस का फिगर आता है वो गलत है क्योंकि ये सारे खर्चे इस रेवेन्यू को अर्न करने में यूज नहीं हो रहे हैं इस रेवेन्यू को अर्न करने में सिर्फ दस कार यूज हुई है यानी दस कार का खर्चा यूज हुआ है और सिर्फ छह महीने का रेंट यूज हुआ है छह महीने का रेंट अभी नेक्स्ट ईयर यूज होगा तो इसे कैसे करेक्टली कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज द रेवेन्यू टेन लैख फॉर टू लैख टेन कार फॉर टू लैख इज दैट इज रुपीज ट्वेंटी लैख सो आई है जो छह महीने का रेंट बचा हुआ है वो भी 2021 में यूज होगा जनवरी से लेकर के जून तक 2021 में यूज होगा और जो दस कार बची थी वो दस कार भी जुलाई में जाकर के यानी नेक्स्ट ईयर जाके मैं सेल करूंगा सो so ये याद रखिएगा मैचिंग का होता है जो खर्चा इनकम को अर्न करने में यूज हो जाए वही खर्चा हम वहां पर रिकॉर्ड करते हैं क्लियर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक बार आप और समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा इसके बाद देखते हैं एक कंसेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट का ये बहुत सिंपल सा है कि कभी भी आप कोई चीज खरीदते हैं बेचते हैं तो उसको जिस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन की गई थी वही वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं सो लेट अस से आई हैव अ कार फॉर रुपीज टेन लैख मैंने 10 लाख ,00 की कार खरीदी और मैंने अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया दैट आई हैव परचेज समॉर टूपीज टेन लाख लेकिन आपको पता है ना कि कार जो है वो हर 10 साल के बाद हर एक साल के बाद सॉरी इसकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी तो क्या मेरा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस चेंज हो जाएगा नहीं वो चेंज नहीं होगा वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं उसको ओरिजिनली जाकर के बेच नहीं देता तो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एसेट खरीद रहे हैं भी होता है। तो जो होता है, इसको अलग से रिकॉर्ड किया जाता है ये डेप्रीसिएशन कार के वैल्यू में कमी आ गई सेपरेटली बट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ परचेज उसको हम हिस्टोरिकल प्राइस के ऊपर ही रिकॉर्ड करते हैं ठीक है इसके बाद आती है मटीरियालिटी की मटीरियालिटी कहता है कि हर छोटा मोटा खर्चा आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है सिर्फ वही फैक्ट्स आपको रिकॉर्ड करने हैं जो मटरियली इंपॉर्टेंट है इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर कोई कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशन सैकड़ों करोड़ों का है तो वहां पर कोई छोटे मोटे 50-60 रुपए के खर्चे को अलग अलग से तरीके से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है तो अकाउंटिंग एक्यूरेट रहे आसान आसानी से मेंटेन की जा सके इसके लिए कंसर्ट लाया गया है लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, एक ऑफिस है उसके अंदर हर साल एक करोड़ रुपए का खर्चा होता है और डेढ़ करोड़ रुपए की कमाई होती है कंपनी के सो फिफ्टी लाख का प्रॉफिट हर साल उस ऑफिस से होता है अब उस ऑफिस में बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं इस इनकम को जनरेट करने के लिए एक छोटी चीज है स्टेपलर स्टेपलर को परचेज किया हमने पचास रुपए के अंदर और दुकानदार ने बोला इट विल वर्क फॉर नेक्स्ट फाइव ईयर सो दैट मीनस दिस so फिफ्टी रुपीज स्टेपलर विल हेल्प अस टू अर्न इनकम फॉर नेक्स्ट फाइव ईयर तो नेक्स्ट पांच सालों में जो पचास 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 लाख का प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट के अंदर स्टेपलर की खर्चे का भी योगदान है तो हमारा जो मैचिंग का कंसेप्ट है वो मैचिंग का कंसेप्ट क्या कहता है वो मैचिंग के कंसेप्ट के हिसाब से हमें इस पचास रुपए को नेक्स्ट फाइव इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए टेन रुपीज इंटू नेक्स्ट फाइव ईयरसो हमें एक साल के अंदर यही रिकॉर्ड करना चाहिए कि हमारा स्टेपलर के ऊपर दस रुपए का खर्चा हुआ है नेक्स्ट ईयर फिर ₹10 का खर्चा हुआ है नेक्स्ट ईयर फिर ₹10 का खर्चा हुआ ऐसा पांच तक हमें करना चाहिए तो एक्यूरेट प्रॉफिट निकल कर आता है लेकिन आप समझ रहे हैं कि दिस कॉस्ट इज टू टू स्मॉल एज कंपेयर ओवरऑल स्केल ऑफ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी सो दैट इज वाई वी विल नॉट रिकॉर्ड इट ओवर नेक्स्ट फाइव ईयर वी विल रिकॉर्डेड एज रुपीज फिफ्टी इन दै पर्टिकुलर ईयर इट सेल्फ मैं ये कहूंगा कि अगर मैंने इसको 2023 में खरीदा था मैं बोल दूंगा 2023 में पचास रुपए का खर्चा हो गया था प्रॉफिट एंड लॉस में से इसको सब्ट्रेक्ट कर दो तरीके से मुझे उसको दस दस रुपए करके दो हजार तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस में करना चाहिए था बट आई नॉट डूइंग डूइंग दैट क्लियर वी आर दिस हम क्यों इसे कर रहे हैं बिकॉज द नेक्स्ट दैट देयर शुड नॉट बी एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग द इन्फॉर्मेशन इतना इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से फायदा हमें नहीं होगा जितना खर्चा इसको रिकॉर्ड करने में हो जाएगा क्योंकि अकाउंटेंट को याद रखना पड़ेगा कि एक पचास रुपए का स्टेपलर था जिसको हर साल दस 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 रुपए करके मुझे रिकॉर्ड करना है लेकिन इससे फायदा क्या होगा इन्वेस्टर्स को फायदा क्या होगा कस्टमर्स को फायदा क्या होगा यहां मैनेजर्स को उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पचास रुपए का जो स्टेपलर है वो दस दस करके रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है राइट right? तो पचास रुपए के ऊपर नीचे से उनको फर्क नहीं पड़ता दैट इज वाई इट इज रिकॉर्डेड इन वन सिंगल ईयर एज एक्सपेंस जाओ

कभी भी रिक्स नहीं लेना है हमें कोई प्रॉफिट जो अभी तक हुआ नहीं है उसको मान के नहीं चलना कि ये होगा ही और कोई लॉस जो हो सकता है उसको मानकर चलेंगे कि ये लॉस हो जाएगा राइट तो ये एक तरीके से अपने आप को सेफ रखने की कोशिश होती है तो जैसे हमारे पास कोई स्टॉक है ऐसा स्टॉक है जिसका हमें पता है कि करंट मार्केट वैल्यू इज रुपीज टेन एंड वी कैन सेल इट एट रूपीज टेन इन फ्यूचर हम दो महीने बाद इसको दस रुपए में बेच देंगे तो उसकी इनकम अभी से रिकॉर्ड कर लें क्या नो वी विल ओनली रिकॉर्ड इट वेन वी आर मेकिंग द सेल ट एवर इज द एक्चुअल प्राइस हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे सो दैट इज वाईवर वी हैव टू रिकॉर्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट नहीं करेंगे और लॉसेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे क्लियर नेक्स्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पॉलिसीज और रूल्स के अंदर अकाउंटिंग रूल्स यू आर फॉलोइंग यू हैव टू मेक देम कंसिस्टेंट यू हैव टू कीप देम यूनिफॉर्म और अगर आप उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो चेंज क्यों लाए गए हैं और उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा पड़ रहा है आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे इससे होता क्या है कि वी कैन मेक कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट कंपनीज एंड ऑल्सो बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी इन वन ईयर विद अनदर ईयर तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की आप हर साल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें कि 2021 में 2022 में 2023 में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है तो वो कंपैरिजन तभी हो सकता है व्हेन इन एवरी ईयर रूल्स फॉलोड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस आर सेम Similarly, if I I want to to calculate performance of Tata and Ambani's, so I will have to make sure कि इन दोनों टू की जो ऑफ आई है वो सेम रूल्स को फॉलो करके आई है और इस वजह जो है, वो है So ये होता है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके rules के अंदर फिर बात आती है कॉस्ट बेनिफिट की जैसे मैंने आपको कहा कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करने का उसको रिकॉर्ड करने में जो खर्चा आता है वो खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए एस कंपेयर टू द यूजफुलनेस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन फॉर एक्साम्पल वो फिफ्टी रुपीज के स्टेपलर को याद करने के लिए कि हर साल दस दस रुपए का रिकॉर्डिंग होगा आई हैव टू हायर अ सेपरेट अकाउंटेंट एंड आई हैव टू पे हिम ग्रेटर सैलरी तो वो चीज जो है उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं वो जो स्टेपलर था पचास रुपए का था उसको रिकॉर्ड करने के लिए ज्यादा खर्चा मुझसे हो जा रहा है तो ये कॉस्ट बेनिफिट का भी हम लोग ध्यान रखते हैं वी ऑलवेज मेक श्योर दैट द कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट मोर देन द बेनिफिट ऑफ द इन्फॉर्मेशन राइट नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी का concept. ये भी कॉन्सेप्ट सिंपल है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कोई आपका पर्सनल बायस अकाउंटिंग के अंदर नहीं आना चाहिए जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो इट हैज टू बी बैक्ड बाय वाउचर्स इट हैज टू बी बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नॉट बिकॉज ऑफ यर पर्सनल एजम्शन किसी ने बता दिया कि अरे मैंने ये कंप्यूटर जो है इतने में खरीदा था इसको रिकॉर्ड कर लो किसी ने कहा सुनी कर दी कि uh, हमारी कंपनी में इतना ही प्रॉफिट हुआ है आपने सुन करके उसको रिकॉर्ड कर दिया नो वी ऑलवेज फॉलो रूल्स वी ऑलवेज फॉलो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वेन एवर देर इज अ सेल हैपनिंग वेन एवर देर इज अ परचेज हैपनिंग वी नीड टू हैव द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वी नीड टू हैव द बिल इन सेल डीड एटसेट्रा टू रिकॉर्ड दैट इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑब्जेक्टिविटी ठीक है कुछ क्वेश्चंस को दोस्तों आंसर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एफ एग्जाम में देखने को मिलते हैं मार्क्स मार्क्स uh, uh, के uh, के तो जैसे क्वेश्चन है एज पर विच कंसेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट द कंपनी विल कंटिन्यू टू परफॉर्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर सो कंपनी फ्यूचर में लगातार काम करती रहेगी कौन सा कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी बिजनेस एंटिटी या गोइंग कंसर्न दिस इज ऑब्वियसली ऑर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट राइट सिमिलरली विच ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंटिंग बुक्स में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं? जो कि मनी की टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती फॉर एक्जाम्पल इफ आई हैव टू पे कंपनसेशन टू अ वर्कर ड्यू टू इंजरी वर्कर को ऑफिस में इंजरी हुई उसके लिए हमें उसे कुछ कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं कुछ पैसा दे रहे हैं तो मनी इन्वॉल्व है तो रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल करेंगे राम द डेटर हु इज नाउ डिक्लेयर एज बैड राम को पैसे दिए थे लोन दिया था लेकिन अब वो बैड डेट हो गया नहीं, राम पैसे वापस नहीं कर पाएगा तो इसे एक लॉस की तरह रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो मनी इन्वॉल्व है एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपनी ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ सीओ इल हेल्थ सी ओ की तबियत खराब है तो उसकी तो कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं है उसे तो हम पैसे में नहीं तोड़ सकते तो वी नीड नॉट रिकॉर्ड दिस इन्फॉर्मेशन इन टू आर अकाउंटिंग बुक्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए कंसिस्टेंसी कॉस्ट इंड मटेरियालिटी यू हैव टू मैच इट विद द लिस्ट टू आई यू कैन पॉज द वीडियो हेर फॉर अवमेंट और फिर मुझे बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा क्योंकि मैं आपको आंसर फटाफट बता देता हूं देखो गोइंग कंसर्न कहता है कि जो कंपनी है वो बैंक नहीं होगी उसकी वो लंबे टाइम तक काम करती रहेगी तो इन अप्रोप्रिएट एसम्शन की एक फॉर्म जो है अगर वो बैंक हो रहा है

Materiality कहता है कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस देखनी चाहिए कि कोई जो कॉस्ट है जो transaction है उसकी वैल्यू कितनी है और ओवरऑल स्केल ऑफ ऑपरेशंस कितना है तो यहां पर इसको टू से मैच कर देंगे तो थ्री वन फोर टू आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट इन अकाउंटेंसी रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है

क्योंकि उसने पंद्रह लाख का सामान खरीदा और बेचा कितने में अठारह लाख का सारा बेचा क्या नहीं फोर फिफ्थ बेचा सिर्फ और उसने तो टोटल और खर्चे किए थे के और उसने उसने प्रॉफिट प्रॉफिट कितना दिखाया उसने सिर्फ हजार का दिखाया है लेकिन यहां पर अगर तो उसका सामान था टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का उसका और खर्चा था और अठारह लाख की उसने सेल कर दी है तो जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो प्रॉफिट तो कुछ और रहना चाहिए था लेकिन उसने थ्री लाख फिफ्टी लगाया क्यों लगाया है क्योंकि उसने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को फॉलो किया है वो कंसेप्ट कौन सा है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा आपके आंसर्स की मुझे वेट रहेगी और इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ फिनिश करता हूँ लगातार पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए जय हिंद एंड जय भारत